हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो आज मैं जो ड्राइंग दिखाने वाली हूँ दोस्तों, बहुत ही मीनिंगफुल ड्राइंग है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो हम यहाँ पर दो कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे, तीन कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक है मम्मी जो हमें बच्चों को सिखा रही है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, और वो आंगन में पेड़ पौधे लगा रही हैं और बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें पेड़ सच में लगाने चाहिए। आप तो देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मेन जो कारण है वो है हम पेड़ काट रहे हैं और यहाँ पर बिल्डिंग को जो वह है वो बना रहे हैं। तो हमें बिल्डिंग और जो घर हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, और अगर हम काटे भी तो हमें दूसरा पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। तो दोस्तों, तभी जो है कि हमारे जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आप भी घर में ज़रूर अपने आंगन में और जहाँ भी आपको खुली जगह दिखे वहाँ पर पेड़ लगाइए, तो ताकि जो हम गर्मी से थोड़ा बच सके। तो यहाँ पर मैं वही आज टॉपिक दिखा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा जो ड्राइंग है वो अभी कंप्लीट है। अभी मैं कलर कर रही हूँ, मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्काई को कलर किया है पहले, तो उसके बाद जो है मैं दूसरा कलर को लूँगी। यहाँ पर स्काई को मैंने दोनों कलर से कलर किया है, थोड़ा सा लाइट एंड थोड़ा सा डार्क। तो अभी जो है पीछे का जो झाड़ियाँ है वो मैंने किया है दो कलर से। अभी पीछे का जो लैंड है वो भी मैं करूँगी दो कलर से, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क ग्रीन की मदद से। और दोस्तों, अभी जो है कि मैं रास्ते का पीछे का जो सड़क है वो कच्चे सड़क है। मैं यहाँ पर विलेज सीनरी को दिखा रही थी तो इसलिए मैंने कच्चे सड़क किया है। तो यहाँ पर सड़क का भी मैंने दोनों कलर से कलर किया है। आप देखिए दोस्तों, पीछे का जो घर है वो विलेज में क्या होता है, मिट्टी का जो टाली होता है उसका घर होता है ज़्यादातर। तो उसी की कलर को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा रेडिश ब्राउन एंड डार्क येलो का यूज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों ड्राइंग देखते देखते मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए दोस्तों, मेरा चैनल न्यू है और मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जब आप मेरे वीडियो को देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये ड्राइंग कैसा लग रहा है और आप क्या सीख रहे हैं और आप नया क्या दिखना चाहते हैं मेरे से। तो मैं आप लोगों को वैसा ही ड्राइंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने अभी जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को कपड़े का कलर जो है मैं करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने पहले बेसिक कलर को किया है, उसके बाद अभी जो है कलर का कपड़े का एक साइड में डार्क है और दूसरे साइड में लाइट कलर पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह है कि ये दिन का समय है, तो यहाँ पर सूरज के लिए एक तरफ हम यहाँ पर लाइट दिखाएंगे और दूसरी तरफ को जहाँ पर छाव पड़ रहा है उसकी तरफ मैं यहाँ पर डार्क दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो बच्चों की जो माँ है उसका भी मैंने साड़ी का कपड़े का कलर कर दिया है। तो यहाँ पर उस कलर को भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एंड डार्क इफ़ेक्ट दिखा रही हूँ। देखिए कैसे मैं शेड कर रही हूँ। और यहाँ पर बाकी का जो कलर है वो कपड़े का वो भी मैंने कर दिया है। अब जो है इस कलर को कंप्लीट होने के बाद मैं जो है पीछे का जो यहाँ पर जहाँ पर पौधा हम लगा रहे हैं, बच्चे लोग लगा रहे हैं, उस ग्राउंड का जो है वो कलर मैं करूँगी। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हम लगाए हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी दिखाएंगे, और पीछे का जो ग्राउंड है वो मैं कर रही हूँ।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है, फिर उसके बाद डार्क ग्रीन कलर को यूज़ किया है। ये जो ग्रीन कलर है थोड़ा सा डार्क है, तो देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टिक का कलर को यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पर स्टिक का जो कलर है वो उस कलर का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं ज़्यादातर स्टिक का कलर ही यूज़ करती हूँ। और आप चाहे तो फेवर कैसल का भी कलर यूज़ कर सकते हैं, फेवर कैसल कलर के भी बहुत ही अच्छा होता है। और चाहे तो आप कोई भी कलर को आप यूज़ कर ही सकते हैं, कैमिल का कलर यूज़ कर सकते हैं, पर कैमिल का कलर का शेड जो शेड होता है कैमिल का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो भी आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो मुझे स्टिक का बहुत पसंद है, मैं करती हूँ, मैं ऑनलाइन से मैंने स्टिक का कलर जो है वो ऑर्डर किया है, आपको लोकल मार्केट में शायद नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए अब पीछे का जो घर है वो मैं कर रही हूँ, ये भी मिट्टी का ही घर मैं बना रही हूँ, और पीछे जो ग्राउंड है उसका जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लकड़ी के मदद से गांव में लोग बनाते हैं, तो मैंने वो किया है। अब जो हेयर का कलर मैंने ब्लैक कर लिया है। अब ये एक पॉट है जिसकी मदद से ये पानी दे रहे हैं लड़की पेड़ को, छोटे छोटे पौधे को, तो मैंने वही दिखाया है। तो दोस्तों जो मेरा जो ड्राइंग है वो अभी कंप्लीट है, तो आप लोगों को ये ड्राइंग कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ड्राइंग को आप ड्राइंग कॉम्पिटिशन में ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं, तो घर में प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।